कल हमने पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के बारे में देखा था। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के बारे में देखने के बाद हमें उनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखना है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मींस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, वोल्टेज और करंट में ग्राफ क्या होगा, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में हो, डायोड जब रिवर्स बायस में हो। 5 मिनट के लिए देख लीजिए। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में हो, कौन से बायस में हो, फॉरवर्ड बायस में हो, तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। ये इधर ले लिया अपन ने वोल्टेज V, इधर ले लिया करंट I। हमेशा x एक्सिस पर वोल्टेज लेना है, फिर करंट लेना है। ओके, नाउ देखते हैं, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो स्लाइटली ये करंट भी बढ़ता है, करंट भी बढ़ता है, बट एक वैल्यू ऐसी आती है, एक वैल्यू ऐसी आती है जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाने पर, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने पर करंट एकाएक बढ़ जाता है। ठीक, एक्सीडेंटली बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है। तो इस वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज की वैल्यू है, इस वोल्टेज को बोला जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बोला जाता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको, याद रखिएगा। इसको कट इन वोल्टेज भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? कट इन वोल्टेज। और कहीं कहीं पर आपको इस वोल्टेज का नाम नी वोल्टेज भी नजर आएगा। तो इसका याद रखिएगा, जैसे हम पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस में, कहां की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस की, तो ये फॉरवर्ड ही वोल्टेज है और ये फॉरवर्ड ही करंट है। तो जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड करंट भी स्लाइटली बढ़ता है, कुछ 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 बढ़ता है, बट एक वैल्यू ऐसी आती है जिससे ज्यादा वोल्टेज की वैल्यू होते ही ये करंट ज्यादा बढ़ने लग जाता है, रैपिडली इंक्रीज होने लग जाता है। तो उस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पर करंट इतना बढ़ जाता है, उस वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला जाता है। कौन सा वोल्टेज बोला जाता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला जाता है। ओके, इसे कट इन भी बोल सकते हैं, इससे नी वोल्टेज भी बोला जा सकता है। अब इसी तरह की चीज हम किसमें देख लेते हैं? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस को देख लीजिए, ये इधर करंट और इधर वोल्टेज, दोनों रिवर्स में। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट कांस्टेंट होता है, लगभग करंट कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट ही होता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है बट नेग्लिजिबल बढ़ता है। ठीक, लगभग कांस्टेंट ही होता है। फिर एक वैल्यू यहाँ पर भी ऐसी आती है, जैसे ही हम वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो करंट रिवर्सली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। करंट रिवर्सली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स करंट को इस तरफ बहना था तो करंट इस तरफ बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है। ओके, रिवर्सली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये जो वोल्टेज की वैल्यू है, यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है, उसे बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या बोला जाता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने आपकी एक हेल्प की है कि आपको कोई स्क्रीनशॉट या कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो यूट्यूब पर वीडियो है, इसके नीचे ही एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको आज का जितना भी लेक्चर है उसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। उसकी पीडीएफ फाइल आपको उस लिंक में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर ले और जैसा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं वैसा का वैसा ही उसके अंदर लिखा हुआ है। आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे अपने पास प्रिंट निकाल कर रख लीजिए। ओके, देखिए ये कौन सा वोल्टेज है? रिवर्स वोल्टेज, ये रिवर्स करंट। तो जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं
तो रिवर्स करंट स्लाइटली स्लाइटली मतलब बहुत कम बढ़ रहा है, एकदम कांस्टेंट है। और एक वैल्यू ऐसी आती है जिसके बाद अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो करंट बहुत ज़्यादा रिवर्सली बढ़ जाता है, उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ये ब्रेकडाउन दो तरह का होता है, एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, बट वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब जीनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ओके, अब यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, कि अगर हम इसी चीज़ को एक साथ बनाना चाहते हैं तो ये तो फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, ये फॉरवर्ड करंट हो गया, ये रिवर्स वोल्टेज हो गया, ये रिवर्स करंट हो गया। तो यहीं पर इनको दोनों को एक साथ बनाना है, तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा स्लाइटली स्लाइटली, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और ये अचानक से इतना बढ़ गया। ओके, और ये फिर यहाँ पर लगभग लगभग कॉन्स्टेंट है और ये अचानक से नीचे गिर गया। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस और ये हो गया रिवर्स बायस। ओके, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, बात समझ में आ गया आपको। इस वोल्टेज को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज, और इस वोल्टेज को बोलते हैं जहां पर करंट रेपिडली रिवर्स बढ़ता है, उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम, डायोड एज अ रेक्टिफायर। मीन्स डायोड का यूज एज अ रेक्टिफायर कैसे किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, डायोड को तो हम जानते हैं, दो तीन दिन से जान ही रहे हैं, रेक्टिफायर नई चीज देखी हमने, रेक्टिफायर, तो ये रेक्टिफायर क्या होता है। ओके, रेक्टिफायर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो सीधा सीधा इसका काम याद रखना है हमको कि ये एसी को, एसी मीन्स अल्टरनेट करंट को, एसी मीन्स अल्टरनेट करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे ये है अल्टरनेट करंट, मीन्स इसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस साइकिल भी चलेगा माइनस साइकिल भी चलेगा, पर जो डायरेक्ट करंट होगा वो डायरेक्ट होता है, मीन्स इसमें ओनली या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव ही होगा। तो इस रेक्टिफायर को बनाने के लिए डायोड किस तरीके से यूज में आएगा वो हमें रेक्टिफायर के अंदर पढ़ना है, वो हमें रेक्टिफायर के अंदर पढ़ना है, देखना है। अब ये रेक्टिफायर कितने तरीके के होते हैं, अकॉर्डिंग टू आर कोर्स, रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ये दो तरह के रेक्टिफायर है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, बट एक और रेक्टिफायर होता है जो ये फुल वेव की तरह ही वर्क करता है, वो होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, वो फुल वेव रेक्टिफायर ही है ब्रिज रेक्टिफायर, बट इसका थोड़ा सा अच्छा मॉडल है। ठीक, तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों हमें डिटेल में पढ़ने हैं, थोड़ा बहुत हम ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में भी देख लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को देखिए, इसमें ओनली वन डायोड लगा हुआ रहता है, इसमें ओनली वन डायोड लगा हुआ रहता है। एक लोड रेजिस्टेंस है जहाँ पर करंट निकलता है, जहाँ से करंट निकलता है और ज़्यादा देर तक रहता है, वहाँ से हम आउटपुट कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक, एक हमने ये एसी सोर्स दिया है, एसी सोर्स मीन्स एसी करंट इसको दिया है ताकि ये डीसी में कन्वर्ट हो सके, यही काम है रेक्टिफायर का, एसी टू डीसी कन्वर्ट करना।
अब देखिए ध्यान से इसकी वर्किंग को कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पर P1 है, ये P2 है, ये S1 और ये S2। अब ध्यान से देखिएगा कि जब यहाँ पर हम पॉजिटिव करंट देते हैं, नेगेटिव यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। अल्टरनेट करंट ऐसे ही चलता है कि एक बार पॉजिटिव साइकिल चलेगा, एक बार नेगेटिव साइकिल चलेगा। देख लेते हैं हम। ध्यान से बनाते हैं इसको। ये इनपुट दिया अपन ने, इनपुट क्या दिया है, AC। नीचे देख लेते हैं आउटपुट कैसे आएगा। आउटपुट आउटपुट अब ध्यान से देखिएगा, जब यहां पॉजिटिव है तो यहां पर भी पॉजिटिव है, जब यहां पॉजिटिव है तो यहां पर भी पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव कनेक्ट है P से, पॉजिटिव कनेक्ट है P से, और नेगेटिव कनेक्ट है N से। पॉजिटिव कनेक्ट है P से, नेगेटिव कनेक्ट है N से, तो ये कौन से बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होगा यहां से, करंट फ्लो होगा तो वो लोड रेजिस्टेंस में जाएगा, लोड रेजिस्टेंस में जाएगा तो वो ऐसा का ऐसा करंट आउटपुट को दे देगा। ऐसा का ऐसा ही करंट जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का है करंट, वो लोड रेजिस्टेंस को दे देगा और आउटपुट में हमें करंट मिल जाएगा। अब जैसे ही हम नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ जाते हैं, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में जाते हैं, ये हो जाता है नेगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव P से जुड़ा हुआ है और N से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में और यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो कैसी आ जाएगी लाइन, सीधी लाइन आ जाएगी। जानते हो आप, अगर किसी में करंट फ्लो नहीं होगा तो कैसी लाइन हो जाएगी, सीधी लाइन हो जाएगी। ओके, अब हम वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल चलते हैं, वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलते हैं तो वापस से हमें उसी तरीके से पॉजिटिव करंट मिल जाएगा, क्योंकि ये वापस से फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। फिर जैसे ही नेगेटिव में चलते हैं, वापस से करंट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें सिर्फ हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही आउटपुट मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिलता है। तो हमें ओनली हाफ करंट ही मिलता है। कितना करंट मिलता है, हाफ करंट ही। तो हाफ करंट हमारे यूज में कैसे आएगा, ये तो बंद चालू ऐसा होता रहेगा, तो ये हमारे यूज में कम आता है। तो इसका एक अल्टरनेट निकाला गया, वो अल्टरनेट है फुल वेव रेक्टिफायर। वो फुल वेव रेक्टिफायर हमें अब पढ़ना है, जिसको हम यूज करेंगे उस फुल वेव रेक्टिफायर में। यहां वेव थी तो यहां पर भी वेव होगी और यहां पर भी वेव होगी, वो पूरी तरीके से होगा। वो किस सिस्टम कैसे होता है अब देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था, हाफ वेव में कैसी वेव मिल रही थी हमको, हाफ फिर काफी फिर हाफ, इसी तरह की से मिल रही थी। तो अब हमने फुल वेव रेक्टिफायर को देखना है। देखिए, हम सबसे पहले वही एसी सोर्स दे रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, दो डायोड कनेक्टेड है। कितने डायोड कनेक्टेड है, दो डायोड कनेक्टेड है। अब ये दो डायोड है तो किस तरह से इसकी वर्किंग होगी, कैसे ही होगा। वही लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बट यहाँ पर सिर्फ सेंटर टैप लगा हुआ है। जो ये स्टेप ट्रांसफार्मर है वो कौन सा है, सेंटर टेप, मतलब सेंटर से डिवाइडेड है। ओके, अब इसको देखना है हमें। पहले पहली स्टेप पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो और यहाँ पर नेगेटिव हो, तो ये पॉजिटिव और ये P पॉजिटिव और ये N कनेक्टेड है नेगेटिव से, कनेक्टेड है नेगेटिव से, और ये डी डी टू जो है इसका पी नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन पॉजिटिव से कनेक्टेड। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस में, ये तो किस बायस में हो गया,
फॉरवर्ड बायस में डी टू तो हो गया फॉरवर्ड बायस में, और डी वन हो गया, सॉरी 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 सॉरी, डी वन तो हो गया फॉरवर्ड बायस में और डी टू हो गया रिवर्स बायस में। ठीक, डी वन हो गया फॉरवर्ड बायस में और डी टू हो गया रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में तो करंट का फ्लो हो जाएगा, बट रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट का फ्लो हुआ है उससे लोड रेजिस्टेंस में हमें करंट मिल जाएगा। तो देखते हैं हम, जब हम इनपुट दे रहे हैं, एसी इनपुट दे रहे हैं, तो जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल चला, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल चला, तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें यहां पर क्या मिल गया, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिल गया। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिल गया। क्यों? बिकॉज ऑफ डी वन। किसकी वजह से? डी वन की वजह से। मीन्स किस में से करंट फ्लो हुआ? डी वन में से। यहां लिख लेना ड्यू टू डी वन, डी वन में से करंट फ्लो हुआ। अब नेक्स्ट वापस चेंज करते हैं, जैसे अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था। अब यहां करंट चेंज होगा तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। होने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये नेगेटिव पी से कनेक्ट होगा, ये एन पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, तो ये हो गया रिवर्स में। अब इसे देखते हैं, ये पी पॉजिटिव से, एन नेगेटिव से, तो ये हो गया फॉरवर्ड में। अब देखिए, यहां से तो करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से तो करंट फ्लो नहीं होगा, बट करंट कहां से फ्लो हो जाएगा? इसमें से फ्लो हो जाएगा करंट। ओके, इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा, डी टू में से, डी टू में से करंट फ्लो हो जाएगा। हमें तो करंट फ्लो होने से काम है, हमें किससे काम है? करंट फ्लो होने से काम है। तो हमें करंट फ्लो होने से काम है, तो यहां पर वापस ही एक पॉजिटिव हाफ साइकिल वापस बन जाएगा। मींस जब नेगेटिव हाफ साइकिल दोगे तब भी यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल चला जाएगा। किस में से करंट फ्लो हो रहा है? डी टू में से। तो ये किसकी वजह से बना? ड्यू टू डी टू। किसकी वजह से? डी टू की वजह से। ओके, अब वापस से जैसे पॉजिटिव में जाओगे तो ये फॉरवर्ड में हो जाएगा और ये रिवर्स में हो जाएगा। तो वापस से यहां पर पॉजिटिव, फिर वापस से नेगेटिव करोगे तो ये फॉरवर्ड में हो जाएगा, ये रिवर्स में हो जाएगा। तो वापस से पॉजिटिव। इस तरीके से हमें क्या मिलते रहेंगे? पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलते रहेंगे। मींस हमने जो एसी इनपुट दिया था वो डीसी आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, दिया था डीसी आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, यहां पर, यहां हम एक कैपेसिटेंस कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर क्यों कनेक्ट करता है, करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर एसी करंट को पास नहीं होने देता है, नेग्लिजिबल तरीके से पास होने देता है, मतलब लगभग जीरो पास होने देता है। ओके, बट जो डीसी करंट है वो इस कैपेसिटर में से पूरी तरह पास हो जाता है। ओके, तो पूरी तरह पास हो जाता है, तो क्या मिल जाता है हमको? टोटल डीसी करंट मिल जाता है, टोटल डीसी करंट हमें मिल जाता है। ये इसको पूरी तरह कन्वर्ट कर देता है और हमें टोटल डीसी करंट मिल जाता है। डीसी डायरेक्ट करंट हमें मिल जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई? हमने यहां पर दो डायोड कनेक्ट किए थे, जब D1 फॉरवर्ड में था तो D2 रिवर्स में था, D2 फॉरवर्ड में हुआ तो D1 रिवर्स में हुआ। तो इस तरीके से दो डायोड लगाने से जो हाफ वेव रेक्टिफायर की कमी थी वो फुल वेव रेक्टिफायर में पूरी हो जाती है। मैंने लेक्चर में आपको पहले ही बताया था कि आज आपको लिखने की या शॉर्ट वो स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको लिंक भेज दिया है नीचे, यूट्यूब चैनल में नीचे लिंक भेज दिया है, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को इसी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, अब लास्ट में ब्रिज रेक्टिफायर को भी देख लीजिए, ब्रिज रेक्टिफायर या ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ये टॉपिक बच गया, इस बेचारे टॉपिक को भी क्यों छोड़े, थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमने कोर्स में इतना डीपली है नहीं है। ओके, बस
ध्यान से देखिएगा कि हम इसका यूज क्यों करें। जब हमें फुल करंट मिल गया, डीसी करंट पूरा का पूरा मिल गया, तो हम इसका यूज क्यों करें। हम इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, जिससे इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ओके, और ये थोड़ा कम डिजाइन में भी थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसका डिजाइन थोड़ा कम होता है तो ज्यादा फैला हुआ नहीं होता और सस्ता भी होता है, कॉस्ट भी इसकी कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर की थोड़ी कमी आ जाती है तो कॉस्ट भी इसकी कम हो जाती है। बट इसको देख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा जो वर्किंग है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझ लीजिएगा, देखिए ध्यान से। अब हम एक बार चलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेंगे, एसी करंट है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, तब जाके पूरा साइकिल बनेगा। तो जब पॉजिटिव है यहाँ पर, जब पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, तो ये पी वाला आ रहा है पहले पॉजिटिव, ये डी वन वाला पॉजिटिव आ रहा है, तो ये डी वन किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड में, और यहाँ से करंट निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तो रिवर्स में है, ये तो रिवर्स में है। ओके, और यहाँ पे ये भी पी है और ये भी एन है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर भी करंट फ्लो हो जाएगा, इस जगह भी करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस में होगा। मींस ये डी वन और डी टू पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस में होंगे, और जैसे ही हम इस करंट को चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे रिवर्स में, और अब ये दोनों हो जाएंगे फॉरवर्ड में। ठीक, अब जो रिवर्स में हो जाएगा वो गायब हो जाएगा। ओके, इसमें ध्यान रखना, जो रिवर्स में होगा वो गायब हो जाएगा, जो फॉरवर्ड में होगा हो जाएगा। मींस इसमें भी, बस इसमें कॉम्बिनेशन में कितने डायोड लगाने पड़ेंगे हमको, फोर डायोड लगाने पड़ेंगे। बट जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा तो डी वन डी टू फॉरवर्ड में चले जाएंगे और करंट फ्लो हो जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा तो डी थ्री और डी फोर फॉरवर्ड में हो जाएंगे और करंट फ्लो हो जाएगा, और हमें आउटपुट में डीसी करंट मिल जाएगा। बस ये इसका इतना सा यूज है कि ये इसकी कॉस्ट कम पड़ती है क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ रहता इसके अंदर, इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा छोटा है। ओके, इसीलिए हम फुल वेव की जगह इसको यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। ओके डन, तो ये था ब्रिज। ओके, थैंक यू।